भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार सिंगर व एक्टर पवन सिंह आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पवन सिंह जितना अपने गानों और फिल्मों को लेकर चर्चा में रहते हैं, उतना ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बने रहते हैं। पवन सिंह ने अपनी पहली शादी नीलम सिंह के साथ 1 दिसंबर 2014 को की थी। शादी के समय इन दोनों का उम्र कितना था? शादी के महज 3 महीने बाद 8 मार्च 2015 को नीलम सिंह ने आत्महत्या क्यों कर ली? पवन सिंह की इस पहली शादी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातों को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों की शादी के वक्त इनका उम्र कितना था। तो जैसा कि हमें मालूम है, पवन सिंह जी का डेट ऑफ बर्थ 5 जनवरी 1986 है और इनकी शादी 1 दिसंबर 2014 को हुई थी। यदि उम्र को कैलकुलेट करें तो 28 वर्ष आता है, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। वही बात कर ले नीलम सिंह जी की, तो नीलम सिंह जी का भी उम्र शादी के वक्त 21 वर्ष था। नीलम सिंह पवन सिंह के भाभी की अपनी बहन थी। नीलम सिंह 8 मार्च 2015 को मुंबई के अंबोली स्थित फ्लैट में सुसाइड कर ली थी। नीलम का शव फ्लैट में पंखे से लटका हुआ मिला था, जिसे देखने वाली नीलम की अपनी बहन पूनम थी, जो सबसे पहले पवन सिंह को सूचना देती है। और पवन सिंह नीलम सिंह को अस्पताल में लेकर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टरों ने नीलम सिंह को मृत घोषित कर दिया था। पवन सिंह अक्सर काम के सिलसिले में हमेशा व्यस्त रहते थे और उनको समय नहीं दे पाते थे, जिसके कारण नीलम सिंह तनाव में रहती थी और इसी कारण से वह सुसाइड कर लेती है। नीलम सिंह बीए पार्ट 1 की छात्र थी। वह परीक्षा देने के लिए मुंबई से आरा गई हुई थी। परीक्षा देने के बाद 3 मार्च 2015 को पवन सिंह के साथ मुंबई में लौटी थी और उसके बाद मुंबई के अंबोली स्थित फ्लैट में 8 मार्च 2015 को सुसाइड कर लेती है। नीलम सिंह के आत्महत्या कर लेने के लगभग 3 सालों के बाद पवन सिंह 6 मार्च 2018 को ज्योति सिंह से शादी करते हैं। ज्योति सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया शहर के मिड्ढी निवासी रामबाबू सिंह की पुत्री है। दरअसल मिड्ढी निवासी रामबाबू सिंह वह पवन सिंह के परिवार से पुराना संबंध था, यही कारण है कि इन दोनों के परिवार की मर्जी से ही इनकी शादी हुई थी। पवन व ज्योति साथ फेरे लेने से कुछ दिन पहले ही कोर्ट मैरिज कर लिए थे। उसके बाद वह 6 मार्च 2018 को परिवार के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वह शादी करते हैं और आज के समय में इन दोनों एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं और इनका मामला भोजपुर कोर्ट में चल रहा है। तलाक के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिनमें मुख्य कारण ज्योति सिंह जी का कहना है कि इनके परिवार वाले मुझे प्रताड़ित करते हैं और भी कई तरीके से टॉर्चर करते हैं। यही कारण है कि ज्योति सिंह पवन सिंह जी से तलाक लेना चाहती हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में पवन सिंह जी की पहली शादी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातों के बारे में जाने होंगे। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।